मोदी जी जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इन सज्जन को क्या परेशानी है भाई? मोदी जी हम आपसे सबसे पहले एक बात कहा चाहत, सारी बात छोड़ के आपके जो जनता से मिले का प्रक्रिया है एक थोड़ा सरल बनाई देते हैं। बहुत मुसीबत होता है, 15-15 सिक्योरिटी पूरी फोर्स से होकर गुजरे पड़ा था। ये सब तो होता रहता है, सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाले हैं। तो मोदी जी बात आगे बढ़ाई जाए, अपन उत्तर प्रदेश ना है, उत्तर प्रदेश यूपी ओमन होने वाला है विधायकी के चुनाव। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हो, तो बताओ भाई क्या समस्या है तुमको? नहीं नहीं मोदी जी, कौन समस्या नहीं है, बात दरअसल ऐसी है कि अपने यूपी खोल वाला है चुनाव, वही में सोचत रहे कि आपके पार्टी से टिकट मिल जाए तो बात बन जात। अरे भाई क्यों मजाक करते हो, तुम चुनाव लड़ोगे? तुम्हें कितना वोट मिलेगा पता है तुम्हें? तुम पार्टी से टिकट मांगने आए हो? अरे मोदी जी मोदी जी, आप हमका हल्के में लेता है, हम ही उत्तर प्रदेश के मशहूर कलाकार बनवारी पांडे उर्फ बनवारी काका, कॉमेडियन टीवी शो वाले। ओहो ओहो, बनवारी जी बनवारी जी, ओ जो सबको खुश करते हो, आपका वीडियो हम भी देखते हैं, बड़ा तगड़ा बनाते हो। तो मोदी जी एकदम डायरेक्ट टू डायरेक्ट आवाज है मुद्दे की बात पे, कहाँ कहीं हमका टिकट दे दे, हम जहाँ से लड़ा भुआ का सीट एकदम फिक्स मान के चली है, हम सोच ले एकदम सीट फिक्स है, कहे कि सब हमरे तरफ है, एक जन बच्चा से लगाई की सब वोट मिले का है। अच्छा चलिए ये बताइए कि आप चुनाव की तैयारी कैसे किए हैं, किस आधार पे कर रहे हैं कि आप जीत जाएंगे? कितनी रैलियां की है आपने, कितना भाषण दिया है, कितने घर पे जाके वोट मांगा है, किनसे किनसे बात किया है? मोदी जी रैली तो अबे एक आते दुई थी करे ही, लेकिन भाषण भाषण सुबह शाम देते ही हर चौराहे पे बैठ के, अब की अपने पार्टी के झंडा गाड़े बिना हर चौराहे पे पोस्टर पंपलेट बैनर सब एकदम टोपी। बस मोदी जी टिकट मिले के देरी है, उकरे बाद तो रैली पर रैली निकाले का है। देखा पहली बात तो यह मोदी जी कि हम भ्रष्टाचारी न करब, बस जितना चुनाव में खर्चा करे रहा उतना पहले निकाल ले, उकरे बाद फिर आगे सब एकदम जनता के सेवा में लगा दे। चलिए ठीक है, हम आपकी बात से प्रभावित हुए हैं, चलो आपके लिए सोचा जाएगा, बात की जाएगी आपके लिए, आपको टिकट कोशिश करा जाएगा, दिलाया जाएगा आपको टिकट। देखा मोदी जी हमका ये सोचा विचारब तसल्ली एक सब हमका जिन बतावे, हमका देखो सीधा बतावे नहीं भैया हम देखी अपन कौनो रास्ता। अरे बनवारी जी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए योगी जी से बात किया जाएगा, चिंता मत करो। अगर मोदी जी आपका अगर टिकट देखो बतावे नहीं तो हम चली कौनो और रास्ता देखी और कौनो पार्टी ओटी देखी, मिले नहीं तो फिर चली आगे। अरे बनवारी जी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कह तो रहे हैं कि बात चलाया जाएगा, योगी जी से बात किया जाएगा आपके लिए, कोशिश करी जाएगी कि आपको टिकट दिलाया जाए। चले ठीक है मोदी जी, हम आपके लिस्ट जारी हो तक इंतजार कर लेते ही। अच्छा ये बताइए बनवारी जी, आप जनता के सामने क्या मुद्दा रखे हैं, किस बात को पकड़ के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कोई मुद्दा होगा, कैसे कह देते हैं कि आप जीत जाएंगे? हाँ मोदी जी अभी मुद्दे की बात हुई तो हम ये पकड़ के चले हैं कि हर घर में एक नौकरी और पानी बिजली सड़क लैट्रिन बाथरूम सब बनवा दिया जाएगा। अरे बनवारी जी ये सब तो हो चुका है हो चुका है, और कोई मुद्दा पकड़िए, इससे चुनाव नहीं जीतेंगे। अरे मोदी जी आप परेशान ना हो, चुनाव जीता हमारा रिस्क है, टिकट दे आपके रिस्क है, आप हमका टिकट दे, हम ना जीत के दिखाए तो बताया, फिर अगर ना जीते तो बनवारी सकल ना दिखाई है आपका ही। अरे चलो ठीक है भाई ठीक है,
योगी जी से आपके लिए बात चलाई जाएगी, बात किया जाएगा, फुल कोशिश की जाएगी आपको टिकट दिलाया जाए। और बनवारी जी ये बताइए, आप उत्तर प्रदेश से किस जिले से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे आप? अरे मोदी जी, आप चाहे जहाँ गदाई दी है पूरे उत्तर प्रदेश के टिकट, बनवारी काका के ना जाना पहाड़। वैसे तो मूड है अपने जिला से लड़े के, लेकिन आप जहाँ के टिकट दे दी है वही से लड़ जाए। सीट तो हमारे फिक्स है उत्तर प्रदेश में, चाहे जे हो। अच्छा तो मोदी जी अब चला जाए, मुद्दे की बात तो खत्म हो गई, चले ट्रेन पकड़ना है, लेट हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते, दो तीन दिन यहाँ ठहरे हुए हैं। चलो भाई चलो बनवारी जी, और सबकी अब समस्या सुना जाए। अच्छा मोदी जी, जय हिंद जय हिंद, ध्यान रखे रहिए, टिकट न भूलेंगे हमारे। जय हिंद बनवारी जी, आपका टिकट याद रहेगा, याद रहेगा।